अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही महंगा जो काम होता है उसको आसान बनाने वाले हैं, जो कि आप ये जो होल्डर आप देख रहे हैं इसको हम आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सही हो गया जी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक पेन ली हुई है जो कि ख़राब है। इसको हम यूज़ में ला के हम इस होल्डर को रिपेयर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर करेंगे। बिल्कुल फ्री वाला काम है ये, क्योंकि अगर इस होल्डर की प्राइस की बात की जाए तो ये 70 से 80 रुपये का ये एक होल्डर आता है, जबकि हम इस पेन की बात करें तो ये 5 रुपये 10 रुपये की आती है। ठीक है जी, पहले तो 5 रुपये की आती थी, अब 10 रुपये की आती है। लेकिन हमें यह ख़राब पेन चाहिए, इसकी बिल्कुल सही तरह से नहीं हो, भले ख़राब हो वो भी काम चल जाएगा आपका। हमें सिर्फ इसका स्प्रिंग चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका जो ये होल्डर है, यहाँ से ये ख़राब हो चुका है। जब भी हम किसी कारीगर को बुलाते हैं तो वो क्या करता है कि इसके होल्डर को देखता है, और जैसे ही आप यहाँ पर देखता है कि ये इसका स्प्रिंग ख़राब है तो वो क्या कहता है कि भाई आप अपना होल्डर ले आएँ। ठीक है जी, वो तो फिर क्या करता है कि दूसरा होल्डर लगा लेता है। बल्कि इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसको 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर वो इस होल्डर को बना के दोबारा लगा भी सकता है। सही हो गया जी। आप अपने 80 रुपये बचा सकते हैं, जितने का आपको ये मार्केट में मिलता है वो रेट आप बचा सकते हैं। सिर्फ 5 रुपये इसमें खर्चा होगा, लागत होगी। नहीं तो आपके पास अगर पेन कोई पुरानी पड़ी हो तो उसमें से भी आप इसका स्प्रिंग निकाल के वो लगा सकते हो। सही हो गया जी। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल फ्री वाला काम है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल फ्री में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही इसको घर बैठे बना सकते हैं। सही हो गया। तो अब हम इसको फ्री में बनाते हैं, वो किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो होल्डर टूटा वूटा कहीं से नहीं है। ठीक है, इसका जो ये स्प्रिंग है ये ख़राब हो चुका है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। खोलने का तरीका का बहुत ही आसान होता है, इसको यूँ घुमाना होता है। ये देख लें, ये खुल गया। ये इसके लाख यहाँ पर बने होते हैं, ये वाले इसके लाख यहाँ पर होते हैं। सही हो गया जी। तो ये लाख होते हैं, इसको खोलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालने का तरीकाकार ये है कि इसके जो ये तीन नट लगे हुए हैं, इन तीनों को निकाल दें। ठीक है, तो मैं जल्दी से इन तीनों नटों को निकाल देता हूँ, आपके सामने निकालता हूँ। सही हो गया जी। तो ये मैंने इसके जो तीन नट हैं वो तीनों में नट निकाल देता हूँ इसके पहले। तो ये देख लें, मैंने इसके तीनों नट निकाल दिए हैं। सही हो गया जी। सॉरी, अभी एक रहता है वो मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। ये अगर आप देखें तो मैंने इसके जो नट हैं दो निकाल दिए, अभी ये जो तीसरा ये रहता है इसको भी मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो ये भी मेरा अमूमन निकल बिल्कुल निकल चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा फंस रहा है तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। ये देख लें, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने तीनों नट वगैरह इसके निकाल दिए, ये हमारा अलग से हो गया है। अगर आप अभी देखें तो अभी भी ये यहाँ पर फंस रहा है। ठीक है जी, तो ये बाहर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये बाहर नहीं आ रहा। तो इसको निकालने का तरीकाकार एक और भी है, वो ये है कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके लाख बने होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको भी खोलना होगा, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको भी खोलता हूँ। ठीक है जी, ये जो इसके लाख वगैरह बने हुए हैं तो मैं इसको भी अभी खोल लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं भी इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से बनाया जाएगा। फिर तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसकी जो लाख वगैरह मैंने निकाल दिए, ये देख लें। ठीक हो गया, ये देख लें, ये मैंने निकाल दिया है। अब जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बुरी तरीके से ये जला हुआ है। ठीक है जी, अब हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसको रिपेयर करने का, और वो कौन सा तरीका कार है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ये पिघला हुआ है, ये बिल्कुल पिघला हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें तो। मैं अभी इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो इस होल्डर को हम रिपेयर करेंगे, ये देख लें, ये बिल्कुल पिघला हुआ है, ये ख़त्म हो चुका है। ये जो इसका स्प्रिंग है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसका जो ये अंदर वाली जो पॉइंट है ये अगर आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, एक मिनट कोशिश करता हूँ ये निकल जाए, क्योंकि ये असल में ख़राब हो चुके तो ये अमून नहीं भी निकलती। तो बहरहाल मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, मैंने निकाल दिया इसको। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल जली हुई है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि इसको ज़मीन में मार के
इसको साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं ज़मीन में मारता हूँ, ज़मीन को मारने के बाद मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैंने हल्का सा इसको ज़मीन में मारा तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। जितना ये अच्छा क्लियर होगा और उतना ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, ठीक है जी। तो ये साइडों में भी अगर इसकी मेल है, ये मैं निकाल देता हूँ इसकी, ठीक है जी, क्योंकि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फिर तो सारा इसको आप लोगों ने सफ़ाई कर लेना है, ठीक है जी। सारा साफ़ करने के बाद आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको सारा साफ़ कर लेता हूँ, ये देखें, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, ये देख लें। तो बहरहाल मैंने इसको यहाँ से ये साफ़ कर लिया, ये देख लें, ठीक हो गया जी। ये बिल्कुल अभी साफ़ हो चुका है, तो अब हम इसको लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसकी जो ये वाली पट्टी देखें, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो जो पट्टी है ये भी थोड़ी सी ख़राब है, ये देख लें, ठीक हो गया जी। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करने का तरीका वही है, पेचकस से आप इसको साफ़ कर ले सकते हैं, ये देख लें, मैं साफ़ करता हूँ, ये देख लें, आपके सामने ही मैं इसको भी साफ़ कर रहा हूँ। यह भी बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही कम रेट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। ये तो असल में मेरे पास बिल्कुल जल गया है, लेकिन अगर अमूमन ये होता है कि उसका स्प्रिंग ख़राब हो जाता है तभी ये इसका प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। वैसे तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर और कोई चीज़ है ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक स्प्रिंग ही होता है जो कि ख़राब होता है, और इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, सही हो गया। अमूमन हमने देखा है वो स्प्रिंग ही ख़राब होता है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने क्या किया गया, अभी मैंने इसका जो ये वाला ये है जो पट्टी थी ये ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने अभी इसको भी साफ़ कर लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो स्प्रिंग है ये ख़राब हो चुका है, तो अब मैं दूसरा स्प्रिंग लगाऊंगा। तो दूसरा स्प्रिंग लगाने के लिए मुझे ये पेन की जो ये नेप है इसको निकालना पड़ेगा। ये वैसे देख लें पेन की जो मसे वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल अच्छा है, ठीक है जी। ये अगर आप स्प्रिंग देखें ये बिल्कुल अच्छा स्प्रिंग है, तो इसको हम लगाएंगे, और किस तरह से लगाए जाएंगे और कितना लगाया जाएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देख लें इसकी साइज़ को मेंटेन करते हुए इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों ने काटना है, कम नहीं काटना है, इसको ज़्यादा काटना है, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इतना सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके काटूँगा, ठीक है जी। तो मैं पहले इसको काट लेता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो मैंने पीस है इसका यहाँ से काट लिया है, ठीक हो गया जी। यहाँ से मैंने इसका जो ये वाला पीस है ये मैंने काट लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल इसके इतने जितना ही काटा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करके काटा है, ठीक है भैया जी। तो अगर इसमें कमी पेशी हो जाती है तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल इसका स्प्रिंग है, तो इसको हम खींच के इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हमने इसको काट लिया है, तो अब हम इसको दोबारा लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये बल्ब है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता, सही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा लगाता हूँ इसको यहाँ पर मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ, जो कि मैंने ये निकाला था इसको सेटर वाला पॉइंट। तो मैं इसको दोबारा लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। तो मैं भी इसको दोबारा यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये जो भी चीज़ करता हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी नए बंदे आए हैं मेरे चैनल पे, तो उससे ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी सी मालूमात मिलती रहती है इलेक्ट्रिक के हवाले से, या LCD हो, LED हो, TV हो, या तो इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर वगैरह जो भी चीज़ हो, इंशाल्लाह आपको मैं हर चीज़ के ऊपर गाइड करता रहता हूँ, सही हो गया जी। तो क्योंकि मेरा अमूमन यही काम होता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, तो मेरा काम ही है मैं किसी की हेल्प करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इसमें यह होगा कि आपका ही फ़ायदा है। आपका फ़ायदा इसमें है कि आप मेरी वीडियो देख के इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख सकोगे। तो मज़ीद भी पाकिस्तानी चैनल बहुत अच्छे हैं, इंडियन चैनल बहुत अच्छे हैं, आप उस पर उसको भी देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं तो फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल पे भी आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये देख लें मैंने इसको यहाँ पर स्प्रिंग को यहाँ पर इसको बिठा लिया स्प्रिंग को मज़े से, ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको निकाला था वैसे ही मैं इसको दोबारा यहाँ पर लगाने लगा हूँ। अभी इसको लगाने का तरीकेकार वही है जैसे कि मैंने इसको निकाला था, वैसे ही मैं इसको अभी लगाऊंगा अभी, ठीक हो गया जी। जैसे ही मैंने इसको निकाला था वैसे ही मैं इसको लगाऊँगा। लगाने का तरीकेकार ये है कि इसको यहाँ पर लगा के आप लोगों ने इसको सिर्फ अंदर की जानब पुश कर लेना है, पुश करने के बाद ये इसका लॉक लग जाएगा, ठीक हो गया जी।
आप लोगों ने सिर्फ इसको पुश करना है, पुश करने के बाद इसका लॉक लग जाता है, ठीक है। एक साइड से इसका लॉक लग गया, दूसरे साइड से नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा अंदर की जानब लॉक को दबा दूँगा। तो ये देख लें, ये जो दूसरा लॉक है वो भी लग गया है, सही हो गया जी। तो ये मैंने दोनों लॉक लगा लिए हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे लॉक जो हैं वो लग चुके हैं। तो अब हमारा ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इसका स्प्रिंग है वो अब सही तरह से वर्क करना शुरू हो चुका है, सही हो गया। तो ये जो इसका स्प्रिंग है अभी सही तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा लेता हूँ कि ये इसका स्प्रिंग जो है वो वर्क करता है कि नहीं कर रहा, सही हो गया, सही हो गया जी। ये जो इसका स्प्रिंग है अभी सही तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ इसको दोबारा फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको दोबारा फिट करने लगा हूँ जी। तो दोस्तों मैंने इसके जो नटे हैं वो सारे लगा लिए हैं, सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वही हमारा होल्डर है, ठीक है जी। इसके ये नट वगैरह मैंने लगा लिए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देख लें, तो मैं अब क्या करता हूँ कि ये देख लें, यहाँ से मैंने इसका लॉक भी खोला था, वही है, सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा मैं फिट करता हूँ और इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगाने के बाद हमारा किस तरह से वर्क करता है, सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको लगाता हूँ होल्डर को, और लगाने के बाद हम देखते हैं, ठीक हो गया। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ जी। तो दोस्तों मैंने इसके नट वगैरह लगा लिए हैं, सही हो गया जी। मैंने इसको कस के लगा लिया, ये देख लें, ये वही होल्डर है जो मैंने अभी लगाया है, सही हो गया जी। तो मैंने इसके लॉक वगैरह दिखा देता हूँ, ये देख लें, ठीक हो गया। तो ये इसका लॉक है। तो बहरहाल हमने इसको जो बनाया था वो हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं ऊपर वाला कवर जो है वो लगा लेता हूँ। इसके अलावा जो ये कवर है ये भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अभी, ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया, तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसके ऊपर बल्ब लगाता हूँ। तो बल्ब लगा के मैं आपको दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारा फेफड़ों से वर्क करता है कि नहीं करता, सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अभी इसके ऊपर बल्ब लगाता हूँ। तो ये देख लें, मैंने इसके जैसे इसको बल्ब लगाया तो हमारा ये बल्ब जो है बिल्कुल चालू हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।